दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपको लेकर के आ गया हूँ लुधियाना कृषि मेले के अंदर। यहाँ पर कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है स्प्रे मैन का, तो स्प्रे मैन की तरफ से सर है हमारे साथ, बड़ी शानदार जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये कमाल के टायर आप देख रहे हो, स्प्रेयर वाले टायर इनको मैं कह सकता हूँ। सिंपल ट्रैक्टर को आप अपने स्प्रेयर में कन्वर्ट कर सकते हो और आसानी से अपने जो खेत का काम है, फसल लगी हुई है और स्प्रे करना चाहते हो या करना चाहते हो आप, खाद छिड़कना चाहते हो, खाद डालना चाहते हो, तो वो आप इनके साथ कर सकते हो। तो उसके बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है लुधियाना पंजाब कृषि मेला, जहाँ पे हमारी कंपनी ने स्टॉल लगा के तरह तरह के कृषि यंत्र यहाँ दिखाया और उसी कृषि यंत्र के अंदर जो है हमने किसानों की स्प्रे की और खाद छिड़कने की जो दिक्कत है वो दूर कर दी गई है। अक्सर क्या होता था कि जब से अब कपास की खेती है, गन्ने की खेती है, मक्की की है या गेहूं धान है, तो उसके अंदर क्या था कि अब जब बिल्कुल बिजाई करिए तब तो ट्रैक्टर चला जाता है, पर जैसे ही वो पौधा 1 फुट 2 फुट 3 फुट का हुआ तो उसके अंदर अब ट्रैक्टर नहीं घुसा सकते, क्योंकि ट्रैक्टर जो है उसकी क्लियर जो हाइट होती है कम होती है और फसल की जो है वो तोड़ता हुआ खराब करता हुआ निकलता जाता है। इतने इतने चौड़े चौड़े टायर है तो इतनी इतनी जो लाइनें 2-2 फुट की, 1-1.5 फुट की लाइन है, ट्रैक्टर फसल खराब करता है। तो इसी के दूर करते हुए हमने ये जो है हाई क्लियरेंस के टायर बनाए हैं, जिसके अंदर जो है ये ट्रैक्टर को इस प्रकार से लग के आप चारों टायर, आप ट्रैक्टर की हाइट जो आप देख सकते हैं कितनी जो है जमीन से, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से लेके आप देख सकते हैं इतनी हाइट जो है ट्रैक्टर की बढ़ गई है। तो इसके अंदर जो है आप तकरीबन 2.5 से 3 फुट तक की फसल के अंदर ये ट्रैक्टर आपका जा सकता है इससे जो है, और टायर की जो चौड़ी है चौड़ाई है वो भी मात्र 4 इंच की चौड़ाई है, जिससे जो है मात्र सिर्फ 4 इंच की फसल, जैसे जो लाइन वाली फसल है कपास मक्का वगैरह गन्ना, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके जो लाइन के अंदर जो ट्रैक्टर जो है एक टायर इस मेड में आ जाएगा, एक टायर दूसरी मेड में आ जाएगा, और जो आपकी दूसरी भी फसल है गेहूं धान के अंदर, तो उसके अंदर मात्र 4 इंच की लाइन जो है वो एक ही लाइन बिछाएगा और जो है उसके अंदर ट्रैक्टर आपका बार बार चलता रहेगा। तो ये टायर लगा के आप ट्रैक्टर के साथ जो है, जैसे हमने पीछे अभी जो है वो स्प्रे पंप जोड़ रखा है, तो आप जो है स्प्रे का काम भी ले सकते हैं और आप इसके साथ खाद छिड़कने का काम भी, क्योंकि आपके ट्रैक्टर अंदर घुस गया तो आप ट्रैक्टर से कोई भी काम जो है इसके अंदर ले सकते हैं। बिल्कुल। ये जो टायर है आप देख सकते हैं इसका जो है ऐसे स्पेसर, इसके एक्सल स्पेशल लंबे करके जो है ये टायर फिटिंग होते हैं, टायर जो आपके मड़गार से बाहर आ जाते हैं। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, आप मड़गार उतार के भी लगा सकते हो, आप मड़गार से बाहर की तरफ भी इसको लगा सकते हो। दोनों टायर एक ही लाइन में हो जाते हैं, आसानी से कट जाते हैं, और टायर जब इतने बड़े हो जाते हैं तो इसका एक फायदा और है कि ये धस्ते वगैरह भी नहीं है, अच्छे से आसानी से निकल जाते हैं और कम RPM पे ज़्यादा स्पीड जो है ट्रैक्टर को दे देते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो है 2 साइज आते हैं, एक तो आता है 1300-1800, ये 1300-1800 का एक सेट है, आगे वाले 1300 mm के लगेंगे, पीछे वाले 1800-1800 मतलब 6 फुट वाले, और इसके अंदर एक और बड़ा साइज आता है वो आता है 1600-2100 मतलब 7 फुट वाला टायर, जो यहाँ पे पीछे आपको दिख जाएगा। मैं खुद 6 फुट का हूँ, ये मेरे से भी जो है 1 फुट बड़ा है, तो 7 फुट का ये टायर है। तो ये जो है लगता है तकरीबन 50 हॉर्स पावर या उससे बड़े ट्रैक्टर पे, 50 या उससे छोटे हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पे ये छोटे टायर लगते हैं। तो इसको लगा के जो है टायर को आप किसान जो अपनी ट्रैक्टर को खेत के अंदर बुझा सकता है, और इसको लगा के किसान भाई और क्या काम लेता है मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो इस ट्रैक्टर को जैसे कि हमने ये महिंद्रा 265 DI था, तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रैक्टर को, कोई पुराना ट्रैक्टर हो चाहे नया ट्रैक्टर हो, उसको ये टायर आप आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ये टायर लगे हुए हैं महिंद्रा के अंदर इस समय, तो क्या इन टायर को किसान किसी भी ट्रैक्टर में डाल सकता है आसानी से? सर, चाहे स्वराज हो, चाहे जॉन डियर हो, चाहे महिंद्रा हो, सोनालिका हो, किसी भी ट्रैक्टर के अंदर आप ये टायर लगा सकते हैं। इस टायर को लगाने के कोई ऐसा कोई नहीं कि आप सिर्फ इसी ट्रैक्टर पे, चाहे आपका 4x4 का ट्रैक्टर हो, चाहे आप 4x2 का ट्रैक्टर हो, बिल्कुल उसी में भी आप लगा सकते हो। बिल्कुल। डिफरेंट साइजेस जो है वो अवेलेबल रहने वाले हैं, आप अपने ट्रैक्टर के हिसाब से इसको टायर को खरीद सकते हैं, और चारों टायर जो है ये आसानी से लग जाते हैं। इस टायर को लगाने के बाद आप इस तरीके से उसको हुक को अटैच करके ये स्प्रे पंप जो है आप लगा सकते हैं। ये हमारा बूम स्प्रेयर है, बूम स्प्रेयर 600 लीटर वाला, इसको लगा के बस आपको ये है कि आप इसको, आपको पाइप उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये जो पीछे का बूम है ये 40 फुट बूम खुल जाता है जी, तो एक बार में ये 40 फुट एरिया जो है इकट्ठा कवर करता जाएगा जी। एक एकड़ के अंदर मात्र आपके 5 ट्रैक्टर के चक्कर जो है वो आने वाले, क्योंकि 220 फुट का जो है वो एक एकड़ बन जाता है, तो मात्र आपके 5 चक्कर के अंदर जो है आपका स्प्रे कर देगा एक एकड़ के अंदर, और एक चक्कर में 1 मिनट लगता है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर जो है ये आपका ट्रैक्टर जो है एक एकड़ के अंदर स्प्रे आपकी कर देगा, करके निकल जाएगा, करके निकल जाएगा। ये जो बूम है ये इकट्ठा करके तो तकरीबन जो है वो 9 फुट बन जाता है, और खोल के जो है 40 फुट का बन जाता है। ये जो बूम के अंदर हमने पंप लगा रखा है यहाँ पे, आप जो देखेंगे तो ये जो पंप है ये डायाफ्राम पंप इसके अंदर लगा हुआ है, जो मेड इन टर्की का पंप है। ये पंप जो है इसको ट्रैक्टर से सीधा क्रॉस से जुड़ता है, इसके अंदर जो कोई बेल्ट या पुली का सिस्टम नहीं है, ये पंप स्पेशली जो है डायाफ्राम वाला पंप बूम सप्रेट के लिए बना है। नॉर्मली जो पंप आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे जो पड़ा है, इसमें ऐसे बेल्ट पुली वाला सिस्टम होता है, बट इसमें जो
है ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हमारा ये बूम स्प्रेयर है, इसमें डायफ्राम पंप है जो आपको शक्तिमान एस्कॉर्ट्स के वो जो कीड़े से होते हैं जो बड़ी बड़ी हाइट वाले 25-25, 26-26 लाख की जो मशीनें आती है उनके अंदर ये पंप लगाता है। ये पंप हम टर्की से मंगवाते हैं, ये हिंदुस्तान का बना हुआ नहीं है, ये टर्की का बना हुआ 4 पिस्टन वाला पंप है। बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर 96 लीटर प्रति मिनट का इसका पंप का प्रेशर है और ये एक बार में 24 नोजलें जो है आप देख सकते हैं, ऐसी पीतल की नोजल लगी होती है, 24 नोजलें जो है ये एक बार में करता है। और ये जो स्प्रे है ये पौधे के बिल्कुल ऊपर गिरती है और धुंध बना के जो है ये स्प्रे करता है, जिसकी वजह से जो है पानी की जो है वो ओस तरीके की तरह स्प्रे होती है और जो दवा है वो पत्ते के ऊपर भी जाती है, पत्ते के नीचे भी आती है और इससे बूंदा बारिश की तरह गिरती है ताकि पत्ते से जब पानी गिरे तो नीचे जाता है, जिस वजह से आपका जो स्प्रे का रिजल्ट है जहाँ पे आपकी नॉर्मली एक फसल के ऊपर 5 स्प्रे हो रही है तो जो आप इसी उसी दवा के साथ ये जो है उसकी 3 स्प्रे रह जाएंगे क्योंकि स्प्रे करने का रिजल्ट बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये कह सकता हूँ जो पार्ट्स इसके अंदर डाले हैं एक एक पार्ट टॉप नोज डाला है ताकि किसान को परेशान ना हो। इसके अंदर जो है जी 3 फिल्टर दिए हुए हैं, एक फिल्टर ऊपर है, एक फिल्टर इसके अंदर नीचे दे रखा है हमने यहाँ पे और एक फिल्टर जो है एक एक नोजल के अंदर दे रखा है और पानी जो है बिल्कुल साफ होकर पहुँचाता है। और हमने इसके जो है दूसरी तरफ जो है हमने 10 लीटर की जो है साफ पानी की टंकी भी दे रखी है जो आपको दिखेगा यहाँ पे टूटी भी लगी हुई है इसके ऊपर टंकी के ऊपर साइड पे जी, तो ये टूटी वाली 10 लीटर की स्पेशल टंकी भी हमने इसके साथ दे रखी है जी। और अगर कोई किसान भाई चाहता है कि उसको गन वाला सिस्टम चाहिए तो ये जो मोटर है ये हमारी ट्रैक्टर की बैटरी से जुड़ जाती है जी। तो ये जो गन भी इसके साथ ये लग जाती है, गन इस तरीके से घूम घूम के जो है आपका स्प्रे का काम करती है, इस तरीके का दायरा लेकर के चलेगी जी जी जी। तो आप इसके साथ ये भी लगा सकते हो, आप इसके साथ ये भी लगा सकते हो और आप इसके साथ पाइप इकट्ठी करने वाला होल्स रील भी लगा सकते हो जी, वो डिपेंड किसान के ऊपर करेगा पूरी तरीके, एक ही मशीन के ऊपर अन्य प्रकार से लगा सकते हो। और ये बूम स्प्रेयर की हाइट भी एडजस्टेबल है, आप इसको बिल्कुल ऊपर भी कर सकते हो, आप इसको बिल्कुल नीचे भी लेके आ सकते हो, जैसे आपकी फसल की हाइट बढ़ती जा रही है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर्ष भाई ये तो हो गए इनके फीचर्स, अब बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। तो सबसे पहले ये जो टायर आपने दिखाए मेरे दर्शक भाइयों को, ये कमाल के टायर, इनकी क्या कीमत रहने वाली है? सर जो तो हमारा देखिए 1800 और आगे वाला 1300 सेट बनता है। बिल्कुल, ये चारों टायर, दो लेफ्ट राइट आगे पीछे के, दो लेफ्ट राइट आगे के, तो चारों टायर आपको पड़ते हैं 1 लाख रुपए के जी, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे कि इसके अंदर जो मैंने आपको हब्बे दिखाई थी जो लेना चाहता है तो बोटा वगैरह होता है उनमें सीधा भी लग जाता है, उनमें हब्बों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो अगर आपको हब नहीं चाहिए तो वो तो फिर तो 1 लाख के चारों टायर है, अगर आपको हब चाहिए तो 16,500 की चारों हब्बे मिलती है, मतलब चारों हब का सेट मिला के 16,500। और जो बूम स्प्रेयर है वो हमारा पड़ता है वैसे तो 1.5 लाख है, पर मेले के अंदर जो है हमने 1,15,000 का दिया है, 1,15,000 में जो है आपको ये 40 फुट का बूम मिलेगा। और अगर किसी को गन घुमाने वाला सिस्टम चाहिए तो वो 16,500 रुपए का अलग से मिलेगा, अलग से मिलेगा। और अगर किसी किसान के पास कोई फिटिंग करवाना चाहता है तो हम फिटिंग भी कर देते हैं, अगर लोकल मिस्त्री से करवाना चाहते हैं लोकल भी करवा सकते हैं, हम संबूदा समझा देते हैं। और अगर कोई चाहता है कि भैया ट्रैक्टर भी आप दे दो, तो जैसे हमने ये पुराना ट्रैक्टर जो है वो लिया है तो ये ट्रैक्टर लगभग हमें 1,60,000-70,000 का पड़ा है, पुराना ट्रैक्टर भी जो है उसके ऊपर लगा के हम इस प्रकार से पूरा सेट रेडी करेंगे। अगर किसान को कंप्लीट पूरा ही चाहिए बूम स्प्रेयर के साथ में, ट्रैक्टर भी उसको लेना है तो वो भी ले सकता है, केवल टायर लेने हैं वो ले सकता है, बूम स्प्रे लेना है वो भी ले सकता है जी। गारंटी वारंटी क्या रहने वाली इसकी? सर टायरों की जो है वो 1 साल की गारंटी लेती है, टायरों की अगर ये रबर जो है ऊपर से पेस्टिंग होता जाए तो पूरा का पूरा नया टायर जो है किसानों को दे दिया जाएगा। और जो अगर बूम स्प्रे की बात करें तो जिसके नीचे पंप लगा हुआ टर्की वाला उसकी 2 साल की जो है वो गारंटी रहती है जी, यानी कि किसान को परेशान बिल्कुल भी परेशानी भी आने वाली है, सारा स्पेयर पार्ट मिल जाता है जी। जो ये इसके अंदर डंडे हैं, इसके अंदर 17 डंडे दिए गए हैं, 42 mm का डंडा है, ये जो प्लेट लगी हुई है ये इतनी मोटी 10 mm की इसके अंदर प्लेट लगी हुई है, स्पेसर की जो हमारी प्लेट है वो 16 mm मोटी है, तो बहुत ही हैवी ड्यूटी जो है हमने मशीन दी रखी है जी। यानी कि ट्रैक्टर का वेट चाहे जितना हो, ट्रैक्टर चाहे जितने बड़े HP का हो, चाहे 35 horsepower का हो, चाहे 80 horsepower का बेलारूस हो, चाहे 65 horsepower का स्कॉट्स हो, चाहे कुछ कोई भी ट्रैक्टर आपका हो, ये जो टायर है ये आपका जो है पूरे सड़क पे खेत के अंदर, चाहे धान की खेती हो, कद्दू किया हो, चाहे आपका सूखी मिट्टी हो, जहाँ मर्जी है चल जाए, हर तरीके से काम में आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखे ये कमाल के टायर्स, जिनको आप तरह तरह की फसलों में आसानी से काम में ले सकते हो, अपने ट्रैक्टर से ही स्प्रे का जो काम है वो कर सकते हो, और साथ में आप लोगों ने देखा ये कमाल का बूम स्प्रेयर, काम भी इसका आप लोगों ने देख लिया है वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दे सकते हैं, वीडियो पसंद आई है लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।